नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं टॉप 30 प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम को ना लॉस करते हुए हम लोग अपने टॉपिक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 और 24 से किसे सम्मानित किया गया था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जिन्हें नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? देखिए, न्यायपालिका द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उन्हें निर्णय विधि कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पंजे जैसा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी नदी का डेल्टा है जो चिड़िया के पंजे के आकार के जैसा है। तो आपको बताना है कि अमेजन, ठीक है, अमेजन जो चिड़िया के पंजे के जैसा है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला था? तो देखिए, GI टैग जिन्हें मिला था वो कौन सा राज्य है? गोवा है, ठीक है, गोवा यानी पणजी जिसकी राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का उदाहरण है? इनमें से कौन सा उपधातु का उदाहरण है? तो बोरान, बोरान जिसका सैंबल होता है बी और एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरान जो उपधातु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में मौजूद नमी का माप क्या कहलाता है? देखिए, हवा में मौजूद नमी का माप आर्द्रता कहलाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्द्रता कहलाता है। क्यों? क्योंकि भाई हवा में जो नमी मौजूद होती है उसकी जो माप होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। ओके, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी की जैविक घटक है? देखिए, पारिस्थितिकी की जैविक घटक की अगर हम बात करते हैं तो कवक जो है क्या है भाई, एक घटक है किसका? पारिस्थितिकी की है, ठीक है, पारिस्थितिकी जैविक घटक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कवक के बारे में बात करें तो कवक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो आपको याद रखना है कि माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। कहाँ पे? माइकोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की अगर बात आती है तो आपको याद रखना है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट हम लोग कब करते हैं? 11 मई को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? देखिए, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में, याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको बस बिना सोचे लगा देना है ऑप्शन नंबर ए, ATP, ठीक है, ATP, इसे ATP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, ये ATP का पूरा नाम होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, आपने नाम सुना होगा माइटोकांड्रिया का, बिल्कुल सुना होगा। देखिए, ये हमारा है क्या? माइटोकांड्रिया, ठीक है। अब ये जो माइटोकांड्रिया है ना, ये जो माइटोकांड्रिया है आपका, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ATP पाया जाता है और ATP का काम क्या होता है? ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानना, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा का काम करना, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज और भी दिया है, एक होता है ATP, एक होता है ADP, है ना। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ADP का होता है एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो आपको ATP बताना है, ट्राई फॉस्फेट, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए विटामिन ए की कमी से अगर हम बता रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है मराइस्मस। मराइस्मस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अब रतौंधी आता है बात यहाँ पर। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि रतौंधी विटामिन कौन सी कमी से होता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये स्कर्वी, रतौंधी, ये सब कॉमन सा डिसीज़ है और आप सभी को पता है रतौंधी मतलब कि ब्लैक, क्या मतलब रतौंधी मतलब, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना सब लोग? ठीक है, तो आपको अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा हमें कि रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है। ये सब कॉमन है, देखिए अक्सर ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। चूना पत्थर चाक और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं, मतलब किसके विभिन्न रूपों से मिलकर बने होते हैं? तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल का उदाहरण है? देखिए संपर्क बल के उदाहरण के बारे में अगर बात करें तो पेशी बल जो होता है वो संपर्क बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? यहाँ पे प्राकृतिक यौगिक की बात की गई है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करना यानी क्लोरोफिल ही हो सकता है। ठीक है, क्लोरोफिल से क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पूछा गया है साधारण नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl का साधारण नाम सोडियम क्लोराइड है, यानी कि ये सूत्र क्या है भाई, सूत्र का नाम पूछा गया है तो सोडियम क्लोराइड, और इसका साधारण नाम ये कैसा नाम है, ये कैसा नाम है, ये रासायनिक नाम है। साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम होता है नमक। क्या नमक, हम नमक कहते हैं किसे, NaCl को। ठीक है, विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक क्या होता है, विभव और विभवांतर को, विभवांतर और विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन बी वोल्ट। वोल्ट होता है दोनों का मात्रक। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स है? देखिए पादप हार्मोन्स की जब बात आए तो एस्ट्रोजन सुनने में क्या लग रहा है, क्या भाई नहीं, ये एनिमल्स में है यानी ह्यूमन्स है। साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। इंसुलिन की सबको पता है इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह होता है, तो ये करेक्ट, ये तो आप कट कर दोगे ऐसे ही कि ये आपका प्लांट में आ ही नहीं सकता। थायरोक्सिन आप सभी लोग जानते हो, थायरोक्सिन हार्मोन्स थायराइड की, थायराइड जो होता है वो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। बचा क्या, साइटोकाइनिन, है ना, तो साइटोकाइनिन बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट भी है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर है। इसलिए आपको राइट आंसर क्या बताना है, ऑप्शन बी। तीसरा वेंट्रिकल उपस्थित होता है, तीसरा वेंट्रिकल, क्वेश्चन देखो कितना अजीब पूछा है, तीसरा वेंट्रिकल कहाँ उपस्थित होता है? भाई वेंट्रिकल की जब बात आए तो बस हृदय ही लगाओगे, और तो कुछ लगा ही नहीं सकते हम लोग, क्यों बच्चों, जल्दी से बताइए तीसरा वेंट्रिकल्स कहाँ उपस्थित होता है? नो, आपका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, कि ये जो क्वेश्चन पूछा है बहुत घुमा के पूछा है, तीसरा वेंट्रिकल उपस्थित होता है। अब ज़्यादातर लोगों की गेसिंग होगी हृदय, लगा दो हृदय, क्या हृदय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मुझे कमेंट करिएगा। नहीं मालूम है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आंसर डाल दूंगी। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है, ठीक है, ताप नियामक केंद्र कौन सा है, कौन सा भाग है मस्तिष्क का? तो आपको बताना है हाइपोथैलमस। ठीक है, हाइपोथैलमस बिल्कुल राइट आंसर है, जो मस्तिष्क के ताप नियामक केंद्र का काम करता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन कौन से रोग है? भाई प्रोटीन की कमी से अगर पूछा जाए तो बस एक रोग याद कर लो, कौन सा, आप कहोगे मैम क्वाशियोर, ठीक है, कौन सा रोग है मैंने बताया, क्वाशियोर कर जो आपका रोग होता है, ठीक है, क्वाशियोर, ठीक है, क्वाशियोर कर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, मलेरिया हो नहीं सकता, हीपेटिस भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो यही होगा।
अमीनो अम्ल का बहुलक क्या है? अमीनो अम्ल का बहुलक, अमीनो अम्ल का बहुलक क्या है? तो आपको बताना है क्या ऑप्शन सी प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है बिल्कुल राइट आंसर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है, आपको देखते ही पता चल गया होगा भाई कार्बन का अपर रूप सिरेमिक नहीं हो सकता। ठीक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिरेमिक नहीं हो सकता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा रहता है? क्या एक ही दिशा में रहता है, दो दिशा में रहता है, कैसी दिशा में रहता है? तो आपको बताना है कि एक दिशात्मक ही रहता है। ठीक है, एक दिशात्मक ही रहता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशात्मक ही रहेगा। लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए लाइसोजाइम्स पूछा है, लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है लार और आशियों में लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक, देखिए सीजीएस में पूछा है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? अब आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होना है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में यहाँ पे पूछा है तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैलोरी। ठीक है, सीजीएस पद्धति में जब ऊष्मा का पूछे तो कैलोरी बताओगे। ओके, आई होप कि सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।